और बाल एकदम इतने अच्छे हो जाएंगे ना कि मतलब प्यार हो जाएगा बालों से। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना जब बाल हमारे खिले खिले रहते हैं। OMG मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत। एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सोचा क्यों ना मैं आपको इस चीज़ को लाइव बताऊँ, तो इसलिए मैं आ गई हूँ लाइव। मतलब मैंने थोड़ा सा जो बैकग्राउंड ना वॉइस रिकॉर्ड करके मैंने आपको फेस टू फेस बताने का प्रोसेस किया है, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट इतना अच्छा अमेजिंग लगा ना, तो मेरा मन किया कि मैं आपको इसको फेस टू फेस ही शेयर करूँ। तो इसने क्या है स्पा ऑन माय हेयर गाइस, इस हेयर स्पा का रिजल्ट इतना अमेजिंग है, ट्रस्ट मी गाइस, आप इसको एक बार बस एक बार फॉलो ज़रूर करना। आपको ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए और ज़्यादा स्टेप भी यूज़ नहीं करने हैं, बस आपको 5 स्टेप यूज़ करना है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके घर में किसी की भी शादी है तो आप इस हेयर स्पा को घर पे ही कर सकते हो, ना कि पार्लर जाके। और इसमें मैंने बहुत सिंपल रेमेडी यूज़ की है जिससे कि आप इसको इजीली घर पे कवर कर सको। मैंने इसको कर लिया है अभी अभी, बस मेरा हेयर ड्राई होना बाकी है। मेरी जो 5 स्टेप है जो हम हेयर स्पा क्रीम लगाते हैं उसके बाद जो हम हेयर वॉश करते हैं वो वाली अभी स्टेप कंप्लीट हुई है, बट मेरा भी हेयर थोड़ा सा ड्राई नहीं हुआ है, वेट है, क्योंकि मैं इनको नेचुरली ड्राई करती हूँ, मैं किसी भी ब्लो ड्राई का यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा वेट है। मैं इसको ड्राई करने के लिए अभी ओपन किया हुआ है। तो गाइस आप इसको मतलब ज़रूर यूज़ करना इस हेयर स्पा को, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है ना जब मैं कुछ चीज़ यूज़ करती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिर उसको, तो जब मैं आपको बैकग्राउंड से शो करती हूँ ना उस चीज़ को, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट ही बोल पाती, मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि जब हम किसी बात को आपको हर्ट से और एक्सप्रेशन के साथ जब शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो आप इस हेयर स्पा को जरूर ट्राई करना गाइस, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है रियली, बस आप इसको एक बार ट्राई कर लेना। और मुझे तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला, और उसकी जो प्यारी प्यारी जो भीनी भीनी खुशबू है ना हमारे जो शैम्पू की, आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो जो आपका मन करे। शैम्पू यूज़ किया था और डव का ही कंडीशनर, क्योंकि कंडीशनर हमें यूज करना होता है स्पा क्रीम में, इसकी फुल स्टेप आपको रेमेडी मिल जाएगी, वो बहुत ही इजी है। 5 सिंपल स्टेप्स हैं आपके जो डेली वेज में आप इसको यूज़ भी करते हो, लाइक ऑयलिंग, स्टीमिंग और थर्ड आपका वॉशिंग और एक आपका हेयर मास्क, उसके बाद हेयर वॉश। तो चलिए स्टेप को फॉलो करते हैं, तो चलिए मिलते हैं। देख लिया गाइस मेरा जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल का था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो चलिए फर्स्ट स्टेप है हमारा हेयर ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग के आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पर अपना अनियन होममेड हेयर ऑयल लिया है जो मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, अगर आपको इसको बनाना है तो आप इसको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप इसको बना सकते हो। तो स्टेप टू के लिए आपको लेना है स्टीमिंग, स्टीमिंग के लिए मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है अपना एक जो सर्दियों में हम कैप ओढ़ते हैं, आप इसी से स्टीमिंग कर सकते हो बहुत ही ईजीली। आपको ये मतलब हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं इजीली और हमें किसी पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत भी नहीं रहती, बहुत ही अच्छे से ये 2-3 टाइम्स आप इसको यूज़ कर लेना और आपके स्कैल्प जो है वो ओपन हो जाएगी, मतलब जो पोर्सेज होते हैं वो। स्टेप थर्ड में हम यूज़ करेंगे अपना हेयर क्लींजर शैम्पू जो कि आपको घर पर ही बनाना है, क्योंकि जब हम सारी चीज़ें नेचुरली यूज़ कर रहे हैं तो क्लींजर भी तो नेचुरली यूज़ करेंगे, इसलिए अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू लेकर के उसमें ऐड करना 1 टेबल स्पून ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर होममेड हेयर ऑयल लिया है। आफ्टर दैट यू यूज़ इन दिस वाटर एंड मिक्स वेल, देन अप्लाई योर हेयर। आपको इसको कम से कम स्टीमिंग के आधे घंटे बाद यूज़ कर लेना। स्टेप फोर में हम बनाएंगे क्रीम जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सबसे पहले लेना है 2 टेबल स्पून वैसलीन, 2 टेबल स्पून लेना है विटामिन ई कैप्सूल। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून वैसलीन इसलिए लिया था क्योंकि बाल मेरा थोड़ा सा लेंथी है, इस वजह से आप अपने अकॉर्डिंग टू हेयर ले लेना। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेना आपको हनी, ये आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इसको आपको ज़रूर ऐड करना है। आप कोई सा भी फेवरेट ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लिया है अपना होम ये आर्टिफिशियल ऑयल जो मैंने मंगाया हुआ है, इसको डबल बॉइलिंग प्रोसेस से अच्छे से मेल्ट कर लेना। इसमें हम यूज़ करेंगे डव कंडीशनर, 2 डव कंडीशनर मैंने इसमें यूज़ किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर अच्छा रिजल्ट लेने के लिए इसको यूज़ किया है। इसको अच्छे से अपने हेयर में अप्लाई कर लेना, मैं अब इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर में, और मैं इसको अच्छे से 30 मिनट्स के लिए रखना है और बालों को एकदम स्ट्रेट रखना, अच्छे से मसाज क्रीम जो होती है मसाज की तरह लगाना, अदरवाइज़ जो आप इसको अच्छे से नहीं लगाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्टेप 5 में आप बिल्कुल क्लीनिंग कर लेना अपने हेयर को, आपको यहाँ पर शैम्पू से वॉश करना है, रिजल्ट आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस। आप इसको एक बार जरूर फॉलो करें और मुझे फीडबैक शेयर करना जरूर।
जरूर करें, मुझे फीडबैक शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए तो एंजॉय कीजिए हमारी वीडियो को आप। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।